देखो सोशल मीडिया पर होता है ना कभी कभी आपको कंपेरिजन दिख जाते हैं लोग सुपर को कंपेयर कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल मे बी अंडरटेकर एंड रोमन रेंस तो ऐसे आपने कभी कोई ऐसा पोस्ट देखा जिसपे दो सुपर स्टार्स का कंपेरिजन दिखे आपको और आप कहो कि अरे इसको स्किप करते हैं भाई इसमें नहीं कर पाऊंगा मैं कुछ भी क्योंकि लाइक आपको समझ में ही नहीं आता कि अरे मैं किसकी साइड झुकूं क्योंकि आप शायद हो सकता है कि दोनों के फैन हो मेरा ऐसा निकलता है मेनली शॉन माइकल्स एंड एजे स्टाइल्स के केस में यस मे बी यू आर शॉक टू सी करे लोग शॉन माइकल्स एंड एजे स्टाइल्स को कंपेयर भी करते हैं यह हो सकता है कि ना भी शौकी हो आई डोंट नो बढ़ा कमेंट्स में लिख कर ऐसे दो सुपर स्टार्स तो कैस जहाँ चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड मैं हूँ थ्री डी एक्स जेतरेंड आज हम बात करने वाले काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सबसे पहले तो देखो रोमन रेन्स की रिलीज वाली जो बात है ना उस पर भी आएंगे या एक काम करते पहले उसी पे आ जाते तो बेसिकली आशीष प्रजापति ने मेरे को ट्विटर पे एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें उन्होंने दिखाया कि किसी चैनल ने रोमन रेन्स के रिलीज का ऐसे लिख के यूज किया है व्यूज़ के लिए एंड एम लाइक ठीक है फिर अगर आपने कहा है कि हमें भी ये यूज करना चाहिए तो हम भी यूज करते हैं बट मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि इस पर व्यूज नहीं आएंगे अभी आप कहोगे कि अरे ये तो क्लिक हो गया नहीं, क्लिक बेट नहीं है एक्चुअली में रोमन रेंस और रिलीज वर्ड का रिलेशन है बेसिकली रिसेंटली पता क्या चला जो हिट्रो थी फैक्शन याद है जो की बहुत छोटे टाइम के लिए हमें दिखाई दी थी फिर रिलीज हो गई सबसे पहले बी फैब रिलीज हुई और बाद में सारे सुपर रिलीज कर दिए गए तो बेसिकली उनके आई सर स्कॉट ने यह बताया कि बैक स्टेज में मेरे को लाइक बी के रिलीज़ होने के बाद रोमन रेंस मिले थे और उन्होंने मेरे को सॉरी बोला कि आई फील सॉरी फॉर दिस

और मैं रिक फ्लेयर को भी उस लिस्ट में डाल सकता हूँ तो बेसिकली एरिक बिशॉफ का ये मानना है कि हल्कुगुन स्टीव ऑस्टिन, रिक प्लेयर अंडरटेकर के लेवल के मीन वेल पीपल भी लाइक अबे द रॉक को भूल गया तू जानता भी है द रॉक कौन है टू बी ऑनेस्ट आई एम सरप्राइज कि यार द रॉक को कैसे नहीं बोल सकता <laughs> कोई ऐसे बड़ा एनीवेज हो सकता है कि कोई रीजन होगा आई मीन इम्पैक्ट क्रिएशन वाइज तो शायद से द रॉक का भी हाथ उतना ही है जितना शायद से स्टीम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का है बुकर्टी ने रिसेंटली उस चीज के बारे में बताया कि याद है मैंने आपको बताया था कि एक फैक्ट आया कि जितने भी WWE में अभी तक ब्लैक WWE चैंपियंस बने उन सबको किसने हराया है? ब्रॉक लेजनर ने तो उसके बारे में बुकेटी काफी गुस्सा हुए और बोलने लगे कि इसमें क्या बड़ी बात है ब्रॉक लेजनर ने सिर्फ ब्लैक्स को थोड़ी हराया वाइट को भी तो हराया है सभी को हराया इसमें racism वाली कहाँ से बात हो गई एंड आई एम लाइक भाई इसमें रेसिज्म कहीं से घुसाया भी नहीं था वो तो सिर्फ एक फैक्ट था कि हाँ जितने भी ब्लैक डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियंस आए उन सबको ब्रॉक लेजनर ने हराया हुआ है so उसके आगे कुछ भी बोलने की जरूरत थी एंड मेरे को लगता नहीं कि किसी ने ब्रॉक लाइजन को रेसिस्ट कहा भी होगा एनीवेज एमवीपी का ट्वीट देखा था मैंने आज लाइक जब डब्ल्यूडब्ल्यू फॉक्स ने ट्वीट करके लिखा कि व्हाट्स द ग्रेटेस्ट मैच इन रेसलमेनिया हिस्ट्री तो एमवीपी ने ट्वीट करके लिखा कि अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स और नो अदर सबमिशन विल बी कंसिडर्ड और मतलब पता नहीं कॉन्सिडेंस था क्या था क्योंकि इसी टाइम पे मैं रेसल मीनिया ट्वेंटी फाइव भी देख रहा था हाँ जो 2009 में हुई थी और उसके स्टार्टिंग में जो प्रोमो आता है ना उसमें लोग बता रहे थे कि हाँ मेरे को कौन सा मैच अच्छा लगा रेसल मीनिया का तो उसमें एम ने पता है क्या बोला था हल्क होगन वर्सेज द रॉक वाला मैच <laughs> और उसी रेसल में यही अंडरटेकर वर्सेज शॉन माइकल्स वाला मैच भी हुआ था तो ये इट्स क्रेजी

तो ऐसे मेरे को लगा कि अगर सेत का कोई रैप का नाम भी होगा तो वो ले लॉल सैथी बहुत अच्छा नाम है बट देखो इसमें गलती किसकी आप ही की तो है आपको लाइक अगले अगले हफ्ते आना चाहिए था और रोमन रेंज को पीटना चाहिए था कि भैया क्या है मेरे को रॉयल रो, रंबल में ऐसे क्यों पीटा मेरे को सही से मैच चाहिए अब आपने एक्नोलेज नहीं करा तो फिर इसमें बाकी लोग क्या हेल्प करेंगे आपकी आपको खुद स्टैंड लेना चाहिए डब्लू डब्ल्यू ने रिसेंटली एक नया ट्रेडमार्क फाइल किया है डब्लू डब्ल्यू लाइव इवेंट्स के लिए या पता नहीं क्या है तो उसका नाम है संडे स्टनर एंड संडे स्टनर यस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की जब रिटर्न ऐसा लग रहा है कि रूमर्ड है कि हाँ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आने वाले हैं ऐसे में अगर कोई संडे स्टनर नाम से ट्रेडमार्क करे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग डब्ल्यू बैक स्टेज की तरह एक नया शो ला रहे हैं जिसमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इंटरव्यूज लेंगे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो बट हाँ मानना तो यही है कि ये कुछ यू नो आने वाले जो इवेंट्स है उससे रिलेटेड होने वाला है कोई ये सेपरेट शो नहीं होगा भाई बुकर्ट बुकर्टी ने लाइक दो ऐसे नाम दिए कि उन्हें क्या लगता है कि रोमन रेन्स और ब्रॉक लेजनर को आने वाले टाइम में यानी कि मैंने थर्टी एट के बाद कौन ऐसे बंदे जो कि हरा सकते हैं और वो है सेल्फ रॉलिंस एंड एच ए स्टायस द टू सुपर स्टार्स जिनको ब्रॉकलेजनर ने एब्सल्यूटली क्रश कर दिया था एलिमिनेशन चेम्बर में वो पिक किए हैं एंड वाई नॉट लाइक उनका रेज्यूमे कहता भी है कि हाँ वो बड़े स्टार्स को एक्चुअली में हरा सकते हैं एजे e. स्टाइल्स ने जॉनसिन जैसे सुपर स्टार को हरा रखा है सेथ रॉलिस्ट ने ब्रॉकलेजनर को ही हरा रखा है रोमन रेंस को भी हरा रखा है तो ये आई थिंक काफी ग्रेट ऑप्शन हो सकता है बट मेरे को लगता है कि डब्लू डब्ल्यू बहुत बड़ा वाइल्ड टर्न लेगी और जो सुपरस्टार आप सोच नहीं रहे होंगे वो सुपरस्टार आके इन दोनों में से किसी एक को जो भी चैंपियन रहेगा उस टाइम पे उसको हरा के निकल लेगा और हमको पता भी नहीं चलेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि लाइक रेस्ट ऑफ द ईयर की डिबेट मुझे लगता है यही होगी कि रोमन रेंस या ब्रॉक ब्रॉकलाइजर जो भी जीतने वाला है से उसमें उसको हराएगा कौन यार वो जो भी हराएगा ना भाई वो बड़ा मेगा स्टार आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्टिन थ्योरी एंड फाइनली नेक्स्ट वीक की रॉ मतलब आज की रॉ तो भाई क्या कमाल की इट वॉज अमेजिंग And like, uh, like अगले हफ्ते अगले 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 हफ्ते हफ्ते भी नहीं अगले से अगले हफ्ते के लिए ये अनाउंस हुआ कि रॉ डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रैंडी ओटन एंड रिडल एंड सेथ एंड अभी यहाँ पे तो लोगों का ये मानना हो रहा है कि रैंडी ओटन और रिडल के बीच यहाँ पे दरार पड़ जाएगी and then एंड देन सेतरोलिन कैविनोवेंस एंड टैग टीम चैंपियनशिप्स की यहाँ से रायलरी शुरू हो जाएगी अपटिल मैन इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू चूज़ बिकॉज ओटिस एंड गेवल को भी मैं नहीं चाहता कि अभी हारे क्योंकि मेरे को लगता है कि उनका रन बहुत ही बढ़िया मोमेंटम पे है और रैंडी ऑटन एंड रिडल की तो दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं नहीं चाहता रैंडी ऑर्टन वर्सेज रिडल देखने को मिले उससे अच्छा यही ट्रिपल थ्रेट में रेसल महीने में भी देखने को मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई आई वुड लाइक टू से यार बहुत बहुत हो गया सैडनेस मत क्रिएट करो लाइक वी वांट टू सी कोडी रोड्स इन डब्लू तो प्लीज़ ऐसे डब्लू को बोलो कि टीज ना करे भाई साहब मतलब कोडी रोड्स का मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ आपको पता होना चाहिए ओके क्विक कोडी रोड्स फैक्ट मतलब मेरे से रिलेटेड है कोडी रोड से रिलेटेड तो हो या ना हो पर जब मैं लाइक uh, सिक्स like, या फिफ्थ पता नहीं कौन सी छोटी सी क्लास में था तो उसमें लाइक like, मैंने पूछा था अपने दोस्त से लाइक like, उसने पहले मुझसे पूछा था कि मैं किसके सुपरस्टार जैसा लगता हूँ तो मैंने पता नहीं क्या ही जवाब दिया होगा लेकिन जब मैंने पूछा तो उसने बोला कि मैं लगता हूँ कोडी रोड जैसा एंड मेरी दुनिया हिल गई बिकॉज अभी का कोडी रोड्स चलो फिर भी ठीक है बट दो का कोडी रोड या दो का कोडी रोड कोई और होता वो स्कूल छोड़ देता बट या आई वॉज स्ट्रॉन्ग ये आप कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स इनमें से अगर किसी के बारे में भी आपको कुछ भी लिखना है तो साथ ही साथ जो स्टार्टिंग में पूछा था और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो रेस्टलिंग फैंस को पास बुलाया मिठे शब्दों सब से सबका दिल था चुराया अपने नाम का सच दम था बनाया दो लाख का इसने परिवार था चुटाया समय की मार है ये मेहनत की हार है ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया फ्राइडेज को इसने आर के लगाया फ्राइडेज को इसने आर के ओ